अक्सर लोग फ्रेंड्स गर्मियों के मौसम में लोग अपने हाथों पैरों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर धूप से हमारे हाथों पैरों में टैनिंग आ जाती है, कालेपन आ जाते हैं। उसे मिनटों में दूर करने के लिए आज बिना किसी खर्चे के ही आप घर में अपनी टैनिंग को दूर कर अपने हाथों पैरों को गोरा मिनटों में बना सकते हो बिना कोई महंगी क्रीम लगाए हुए। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ले लेंगे एक आलू। आलू को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा क्रश करके इसका रस ले लेना है। इसका रस हमारा हेल्प करेगा फ्रेंड्स कालेपन को दूर करने में। जितने भी हमारे स्किन की टैनिंग होगी ना, काले दाग धब्बे होंगे, उसे मिनटों में दूर कर गोरा बनाएगा। तो इसीलिए हमें आलू यहाँ पे अच्छे से क्रश करके ले लेना है। जितनी हमें क्वांटिटी में चाहिए थी उतनी हमने ले ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से इसे निकाल लेना है। तो यहाँ हमारा काफ़ी ज़्यादा जितना चाहिए था हमारा आलू का रस निकल चुका है, हमारे हाथों पैरों के लिए काफ़ी है। इससे हमारी हाथों पैरों की टैनिंग दूर हो जाएगी मिनटों में। और यहाँ हम ले लेंगे टमाटर का पल्प, इससे हमारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प मिलेगा। और टमाटर हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। और भी अक्सर क्या होता है ना, गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन ना बेजान सी दिखने लगती है, बिल्कुल अजीब सी भद्दी दिखने लगती है। हम तो अपनी स्किन को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्यों ना हम घर बैठे ही मिनटों में पार्लर जैसी ट्रीटमेंट करके अपने हाथों पैरों को गोरा बनाया जाए। तो यहाँ पे हम लेमन भी डाल लेना है। आपको लेमन कम से कम आपको 5 ड्रॉप डालना है। इसे हमारी स्किन की काले दाग धब्बे गंदगी को बाहर रिमूव करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम ले लेंगे क्लिनिक प्लस शैम्पू, आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेनी है और कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी ही ली हूँ क्लिनिक प्लस। आप अदरवाइज़ कोई सी भी शैम्पू ले सकते हो। ऐसे से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी ना स्किन को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करेगा, बिल्कुल डीप क्लीन करेगा, ताकि हमारे हाथों पैरों की जितनी भी टैनिंग है दूर हो जाए मिनटों में। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, रेडमी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इससे। और आपके हाथों पैरों में ना कितना भी क्यों ना कालापन हो, कितना भी क्यों ना टैनिंग हो, काले दाग धब्बे हो, दिख रहे हो, अजीब सी लग रही है हाथ पैर आपकी, तो आप इसे लगाओ, मसाज करो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने एक हैंड में लगा के दिखा रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से लगा के आपको इसको मसाज करते जाना है। जैसे आप अपने स्किन पे फेस पे मसाज करते हो, इसी तरीके से आपको अपने हाथ पे पैर पे मसाज करना है, ताकि हमारी जितनी भी टैनिंग है, जितनी भी गंदगी है, मैल है, जकड़े हुए, उसे सारे निकाल कर हमारी स्किन को ब्राइट बनाए नेचुरल तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो टमाटर का पल्प निकाले थे, वो टमाटर को आधी कटी हुई टमाटर से आपको हाथों पैरों पे अच्छे से मसाज करना है, ताकि हमारी स्किन बिल्कुल नेचुरल तरीके से शाइन करे और जितने भी आपके काले दाग धब्बे हैं सारे रिमूव हो जाए। और आप यकीन मानो फ्रेंड्स, आप ये अगर करते हो ना, तो आप जितनी भी कड़ी धूप से क्यों ना हो, जितनी भी आपकी टैनिंग क्यों ना हो, हाथों पैरों में कालापन हो, इसे मिनटों में रिमूव कर गोरा बनाएगा आपके हाथों पैरों को। सब देखते हैरान रह जाएंगे आपके हाथों पैरों को, आप क्या लगाते हो, लोग आपसे पूछेंगे। अक्सर तो यही देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि हाथ पैर ना अजीब सी लगती है देखने में। तो आप पार्लर जाकर भी परेशान हो चुके हो, पार्लर भी लोग बार बार जाना पसंद नहीं करते, तो क्यों ना आप घर में ही बैठे पार्लर जैसे ट्रीटमेंट कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने एक हाथ में अप्लाई किया था, दूसरे हाथ मेरा देख सकते हो ब्राइट है, बट उसमें कोई शाइनिंग नहीं है, बिल्कुल डल।